राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तिमोर लेस्ते की राजकीय यात्रा पर हैं। आज उन्हें राजधानी दिल्ली में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति होजे रामोस होर्ता और प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। यात्रा के दौरान आईटी, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य सेवा, कृषि और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की जाएगी। यह यात्रा राष्ट्रपति होजे रामोस होर्ता द्वारा इस वर्ष जनवरी में वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के 7 महीने बाद हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहत और पुनर्वास प्रयासों की समीक्षा के लिए आज केरल के वायनाड का दौरा करेंगे। पीएम राहत शिविर और अस्पताल में भूस्खलन पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। पीएम कन्नौर, वायनाड और अन्य भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेंगे, जहां उन्हें बचाव दलों द्वारा राहत कार्यों की जानकारी दी जाएगी। पीएम एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जहां उन्हें घटना और चल रहे राहत प्रयासों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में चीनी उद्योग संगोष्ठी एवं राष्ट्रीय दक्षता पुरस्कार 2022-23 समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान शाह सहकारिता के 8 क्षेत्रों में राष्ट्रीय दक्षता पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। साथ ही वे गन्ना और जैव ऊर्जा उद्योग विषय पर सेमिनार को संबोधित करेंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने कल 8 बड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 8 बड़ी रेल परियोजनाओं से आकांक्षी जिले आदिवासी बहुल क्षेत्र को विकास का मौका मिलेगा। 3 परियोजनाएं ओडिशा के दक्षिणी और पश्चिम हिस्से की हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पिछले 10 साल में 4 करोड़ घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश भर में बने हैं, जिससे एक बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन आया है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 3 करोड़ नए घर के लिए बजट में 3,60,137 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 2 करोड़ घर ग्रामीण इलाकों में और 1 करोड़ घर शहरी इलाकों में बनेंगे। 18वीं लोकसभा के बजट सत्र की कार्यवाही शुक्रवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई, जिसमें केंद्रीय बजट 2024-25 को मंजूरी देने की प्रक्रिया संपन्न हुई। इस सत्र में बजट के अलावा विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक पर चर्चा हुई। सत्र के दौरान बजट प्रस्तावों पर चर्चा हुई और विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों को पारित करने के साथ ही वित्त विधेयक को पारित किया गया। बजट पारित होने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सत्र के दौरान विधायी कामकाज को लेकर भी प्रगति देखने को मिली। लोकसभा की उत्पादकता 136% जबकि राज्यसभा की उत्पादकता 118% रही। सत्र के दौरान राज्यसभा से कुल 3 विधेयक पारित किए गए। उधर लोकसभा से आम बजट पारित होने के साथ साथ कुल 4 विधेयक पारित किए गए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मालदीव के साथ द्विपक्षीय संबंधों को दोबारा निर्धारित करने के लिए शुक्रवार शाम को 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर मालदीव पहुंचे। मालदीव के अपने समकक्ष मूसा जमीर के साथ बातचीत के बाद जयशंकर ने कहा कि मालदीव के साथ भारत की साझेदारी एक दूसरे के कल्याण और हितों के लिए मिलकर काम करने की गहरी इच्छा पर आधारित है। जयशंकर ने इस बात पर भी जोर दिया है कि माले के साथ संबंध भारत की पड़ोसी प्रथम नीति की आधारशिलाओं में से एक है। दोनों नेताओं ने 6 सामुदायिक योजनाओं का उद्घाटन किया, साथ ही डिजिटल भुगतान प्रणाली से संबंधित समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो चुकी है। यह अभियान 15 अगस्त तक जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल भी इस अभियान की शुरुआत कर दी है और हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश भर में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अभियान की शुरुआत अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स की DP पर तिरंगा लगाकर की। साथ ही पीएम ने लोगों से भी इस अभियान से जुड़ने की अपील करते हुए harghartiranga.com पर सेल्फी अपलोड करने का आह्वान किया। केंद्र सरकार ने राज्यों से राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को लेकर लोगों को जागरूकता फैलाने और तिरंगे से जुड़े लोगों की गतिविधियां संचालित करने का दिया निर्देश। देश के कोने कोने में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर उत्साह का माहौल। वहीं राजस्थान, हरियाणा और छत्तीसगढ़ में भी बढ़ चढ़ कर लोग इस अभियान से जुड़े। हर घर तिरंगा अभियान के तहत राजस्थान के झुंझुनू में पुलिस के जवानों और अधिकारियों ने पुलिस लाइन से शहीद स्मारक तक तिरंगा रैली निकाली।
तिरंगा रैली में कलेक्टर चिन्मय गोपाल ने भी शिरकत की और कहा कि आज से हर घर तिरंगा अभियान का जिले भर में आगाज हुआ है। अभियान के तहत प्रतिदिन विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के लिए हो रहे आंदोलनों में अल्पसंख्यक समुदाय के साथ हो रही हिंसा पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए इसकी घोर निंदा की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तारे होसबाले ने एक बयान में बांग्लादेश में हिंदू तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की लक्षित हत्या, लूटपाट, डाकजड़ी, महिलाओं के साथ जघन्य अपराध और मंदिर जैसे श्रद्धा स्थानों पर हो रहे हमले को क्रूरता की संज्ञा देकर असहनीय बताया। आरएसएस ने बांग्लादेश की कार्यकारी सरकार से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने की मांग की है। बयान में भारत सरकार से भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने का आग्रह किया गया है। बांग्लादेश में चल रहे हालात के मद्देनजर मोदी सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा आईबीबी पर मौजूदा स्थिति पर नजर रखने के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति बांग्लादेश में अपने समकक्ष अधिकारियों के साथ कम्युनिकेशन चैनल बनाए रखेगी। अमेरिका के न्यू मेक्सिको प्रांत के गवर्नर मिशेल यूयान ग्रिशम भारत दौरे पर हैं। अपने भारत दौरे के दौरान उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से शिष्टाचार भेंट की और पुनः दायित्व के लिए उन्हें बधाई दी। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल ने शुक्रवार को दूरदर्शन के मुंबई स्थित कार्यालय का दौरा किया। उन्होंने दूरदर्शन और आकाशवाणी के सभी विभागों के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में मेडिकल छात्रा की मृत पाए जाने पर टीएमसी विधायक निर्मल घोष ने कहा कि किसी भी हालत में अपराधी को ढूंढेंगे और सत्य को सामने लाएंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स के डायरेक्टर्स कॉन्क्लेव और 34वें वार्षिक दिवस का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, एसपी सिंह बघेल सहित बिजनेस लीडर्स और पब्लिक सेक्टर के अधिकारी हुए शामिल। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि देश की खुशहाली के लिए खेत खलिहानों के साथ ही उद्योगों का विकास भी जरूरी। राजधानी में चल रहे 28वें दिल्ली पुस्तक मेले में शुक्रवार को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा लेखकों को जोड़ते हुए एक चर्चा का आयोजन किया गया। संस्कृति विरासत और पर्यटन पर आयोजित इस चर्चा के दौरान प्रकाशन विभाग की अपर महानिदेशक शुभा गुप्ता ने कहा कि भारतीय कला और संस्कृति की अनमोल विरासत से परिचित होकर हम देश की अलग अलग प्रथाओं और मान्यताओं को समझ पाते हैं। पुस्तक मेले की थीम इस बार भारतीय पुस्तकों का वैश्विक प्रभाव रखी गई है। थीम के आधार पर मेले में एक चर्चा का आयोजन किया गया। मशहूर लेखक डॉक्टर उज्ज्वल चुग ने पुस्तकों के वैश्विक प्रभाव कार्यक्रम की अध्यक्षता की। पिछले साल उत्तराखंड के सिलक्यारा में हुए टनल हादसे पर लिखित पुस्तक वो 17 दिन पर साहित्य अकादमी सभागार में एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। परिचर्चा में पुस्तक के लेखक और इंडिया सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रमुख राजीव रंजन और वरिष्ठ पत्रकार और पांचजन्य के एडिटर इन चीफ हितेश शंकर समेत काफी संख्या में लेखक और पत्रकार हुए शामिल। दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल फुटवेयर फेयर 2024 चल रहा है। एक ऐसा मंच जहां देश और दुनिया के एक से बढ़कर एक जूते चप्पलों से जुड़े उत्पाद देखे जा सकते हैं। मेले में आने वाले बेहतरीन फुटवेयर के डिजाइन दर्शकों को के मन को खूब लुभा रहे हैं। इस बार इंडिया इंटरनेशनल फुटवेयर फेयर में 200 से ज्यादा कंपनियां हिस्सा ले रही हैं, जिसमें कई देश भागीदारी कर रहे हैं। इस साल लॉन्च किए गए जूतों के नए डिजाइनों की प्रदर्शनी में दर्शकों के लिए प्रदर्शित किया गया है। मेले में आकर प्रदर्शक काफी उत्साहित हैं। आज वर्ल्ड लॉयन डे है। इसकी शुरुआत 2023 में बिग कैट रेस्क्यू द्वारा की गई थी। बिग कैट रेस्क्यू शेरों को समर्पित दुनिया का सबसे बड़ा अभयारण्य है। इसकी सह स्थापना डेरेक और बेवरली जोबर्ट ने की थी। विश्व शेर दिवस को मनाने का उद्देश्य शेरों के संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करना है। भारत में एशियाई शेरों की जनसंख्या में पिछले 5 सालों में रिकॉर्ड 29% की बढ़ोतरी हुई है। 2015 में शेरों की संख्या जहां 523 थी, वहीं 2020 में बढ़कर 674 हो गई है।
विश्व शेर दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर अपने संदेश में कहा कि मैं शेर संरक्षण पर काम करने वाले सभी लोगों की सराहना करता हूं। वहीं आज वर्ल्ड बायोफ्यूल डे भी है। परंपरागत फॉसिल ईंधनों के विकल्प के रूप में गैर फॉसिल ईंधनों के महत्व के बारे में बताने के बायोफ्यूल क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का एक और नया जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच श्रीनगर स्थित पंथा चौक आधार शिविर से रवाना हुआ। देश में इन दिनों मॉनसून मेहरबान है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक के राज्यों में लगातार और तेज बारिश की खबरें सामने आ रही हैं। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 7 दिनों तक 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग ने साथ ही जानकारी दी कि दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों, राजस्थान और दक्षिण झारखंड और पड़ोसी इलाकों में कम दबाव के क्षेत्र ठीक ऊपर चक्रवाती हवाओं का प्रवाह बना हुआ है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों तक अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी रफ्तार भरी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। तड़के वाली रोली भाली मेहनत वाली असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार बड़ी होशियार MDH के सही टेस्ट का असली टेस्ट MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। कट। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। चलो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। इतनी सी सैलरी में घर की EMI कैसे भरूंगी? काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH. ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका स्वागत। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना। मौसम विभाग ने सप्ताह के दौरान जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम राजस्थान, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे, लक्षद्वीप और कर्नाटक में छिटपुट से लेकर व्यापक वर्षा का भी अनुमान व्यक्त किया। इसके अलावा छत्तीसगढ़, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और पूर्वोत्तर के सभी 7 राज्यों में इस दौरान भारी वर्षा हो सकती है। टाटा केमिकल्स के निदेशक मंडल द्वारा गठित तांत्रिक समिति ने एक बैठक के बाद NCD जारी करने की शर्तों को अंतिम रूप दे दिया। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने बढ़ती तेल जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी तेल शोधन क्षमता को 25% तक बढ़ाने की योजना बनाई है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार गठन हो गया है, लेकिन इसके बावजूद भी देश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले बदस्तूर जारी हैं। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे सजीव वाजिद का एक बयान इस मुद्दे पर सामने आया, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश में कानून और व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त होने की बात कही। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे सजीव वाजिद ने कहा कि हम सभी चाहते हैं कि बांग्लादेश में जल्द से जल्द लोकतंत्र बहाल हो, लेकिन जो स्थिति बांग्लादेश में बनी हुई है वह पूरी तरह से असंवैधानिक है। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद हिंदुओं के खिलाफ लगातार हमले हो रहे हैं। हमलों में हो रहे
हिंदुओं के खिलाफ हो रहे हमलों में खिलाफ न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और विरोध प्रदर्शन किया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का विमान बोजमैन में तकनीकी खराबी आ गई है, जिसके बाद विमान को इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। जानकारी के मुताबिक पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मोंटाना में रैली के लिए जा रहे थे, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण उसका मार्ग बदल दिया गया। एयरपोर्ट स्टाफ ने बताया कि विमान सुरक्षित रूप से पास के बिल्डिंग्स पर उतारा गया है। ब्राजील के साओ पाउलो में एक स्थानीय एयरलाइन का 68 सीटर प्लेन अचानक से क्रैश हो गया। खबरों के मुताबिक विमान में मौजूद सभी यात्रियों की मौत हो गई है। वहीं प्लेन के अचानक से क्रैश होने के बाद गाढ़ा काला धुआं आसमान में उड़ता हुआ दिखाई दिया। हादसे के समय विमान में चालक दल समेत 61 यात्री सवार थे। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने एक्स पर एक वीडियो में लोगों से एक मिनट का मौन रखने को कहा। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक प्रत्याशी कमला हैरिस चुनावी सर्वे में अपने रिपब्लिकन प्रतिद्वंद्वी डोनाल्ड ट्रंप पर बढ़त बनाए हुए हैं। सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई ने सुरक्षा बलों से इसराइल पर पूरी ताकत से हमला कर हमास प्रमुख रहे इस्माइल हानिया की हत्या का बदला लेने के लिए कहा है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि चीन ने एक बार फिर से उसके क्षेत्र में घुसपैठ की है। वहीं ताइवान की हवाई सीमा के आसपास चीन के 28 लड़ाकू विमान देखे गए हैं। इनमें से 22 लड़ाकू विमान ताइवान के वायु रक्षा पहचान क्षेत्र में हुए दाखिल। भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने पुरुषों की 57 किलोग्राम भार वर्ग कुश्ती में कांस्य पदक जीत लिया है। उन्होंने डारियन क्रूज को एक तरफा मुकाबले में 13-5 से दी मात। अमन सहरावत ने अपने पहले ही ओलंपिक में पदक जीतने का कारनामा कर दिखाया है। पेरिस ओलंपिक में भारत का छठा पदक। 21 साल के अमन सहरावत भारत के लिए पदक जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। वहीं अमन सहरावत ओलंपिक में पदक जीतने वाले सातवें पहलवान हैं और कुश्ती में यह भारत का 8वां पदक है। यहां रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। MDH कश्मीरी। MDH काट। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। सर आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रफ्तार भरे खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। पेरिस ओलंपिक में अमन सहरावत के कांस्य पदक जीतने के बाद बधाइयों का तांता शुरू हो गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने एक्स पर कहा है कि अमन सबसे कम उम्र के पुरुष पहलवानों में से एक है और उनकी सफलता से भारत ने कुश्ती में ओलंपिक पदक जीतने की अपनी परंपरा जारी रखी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमन सहरावत को कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा है कि हमें और गर्व कराने के लिए हमारे पहलवानों का धन्यवाद। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह ने बधाई देते हुए कहा कि अमन भारत के उभरते सितारे हैं, वे बहुत आगे जाएंगे और अगले ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत के आएंगे। पेरिस ओलंपिक में आज भारतीय महिला पहलवान रितिका हुड्डा फ्री स्टाइल 76 किलोग्राम के प्री क्वार्टर फाइनल से अपने अभियान की करेंगी शुरुआत। रितिका का अंतिम 16 में हंगरी की बेंड्रा डेट नागी से होगा सामना। अगर वे इस चुनौती को पार करने में सफल रही तो आज ही क्वार्टर फाइनल का मुकाबला खेलेंगी। पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक्स में भारत का अभियान समाप्त हो गया है। भारतीय पुरुष 4x400 मीटर रिले ने राउंड 1 में अपने सीजन का सर्वश्रेष्ठ समय निकाला और फिर हीट 2 में 5वें स्थान पर रहे।
दूसरी हीट में मोहम्मद अनस, राजेश रमेश, अमोज जैकब और मोहम्मद अजमल की भारतीय चौकड़ी स्टैंडिंग में 11वें स्थान पर रही। शीर्ष 8 टीमों ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। भारतीय महिलाओं की 4x400 मीटर रिले टीम पहले दौर में हीट 2 में 8वें स्थान पर रही और फाइनल में नहीं पहुंच पाई। भारत की ज्योतिका श्रीदांडी, मचेतिरा राजू पुवम्मा, विथ्या रामराज और सुभा वेंकटेशन ने 3:32.51 का समय निकाला। प्रधानमंत्री मोदी ने पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा से फोन पर की बातचीत। उन्होंने गोल्डन बॉय को देश का सोना बताया। नीरज चोपड़ा से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी लगातार नीरज का हौसला बढ़ा रहे थे। इस दौरान पीएम मोदी ने नीरज के इलाज पर मिलकर चर्चा करने की बात भी कही। पेरिस ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में निशानेबाज मनु भाकर और हॉकी गोलकीपर पीआर श्रीजेश भारत के ध्वजवाहक होंगे। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक अपने नाम किए हैं। पेरिस ओलंपिक में इस बार लैंगिक समानता पर जोर दिया गया है और हर देश को एक पुरुष और एक महिला ध्वजवाहक का चयन करना है। पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश भारतीय जूनियर हॉकी टीम के प्रमुख कोच की भूमिका निभाने वाले हैं। ओडिशा सरकार ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय पुरुष हॉकी टीम को सम्मानित करने का फैसला किया है। ओडिशा सरकार प्रत्येक खिलाड़ी के लिए 15 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की गई है। यूक्रेन के अलेक्जेंडर खजेनिक ने मिडल वेट मुक्केबाजी में टोक्यो खेलों की भरपाई पूरी करते हुए स्वर्ण पदक जीता। ओलंपिक पुरुष फुटबॉल टूर्नामेंट में मोरक्को ने मिस्र की टीम को 6-0 से हराकर कांस्य पदक हासिल किया। दक्षिण कोरिया के निशानेबाज और पेरिस ओलंपिक 2024 के रजत पदक विजेता किम ये जी ओलंपिक खेलों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई बेहोश। पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन अब नजदीक आ गया है। कई एथलीट पेरिस खेल गांवों से अपने देश वापस जाते हुए आ रहे नजर। एथलीटों का मानना है कि पेरिस ओलंपिक उनके लिए एक अद्भुत और अविश्वसनीय अनुभव था। लॉस एंजलिस की मेयर करेन बैस पेरिस ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में भाग लेने के लिए फ्रांस पहुंच चुकी हैं। समापन समारोह में मेयर करेन को ओलंपिक ध्वज सौंपा जाएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में महिला साइकिलिंग स्प्रिंट दौड़ में क्वालिफिकेशन राउंड में एक नया विश्व रिकॉर्ड बना है। जर्मनी की ली फ्रेडरिक ने 200 मीटर फ्लाइंग लैप में यह विश्व रिकॉर्ड बनाया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी की फिल्म स्त्री 2 रिलीज की तारीख अब नजदीक आ रही है। CBFC ने अमर कौशिक के निर्देशन में बनी इस फिल्म को UA सर्टिफिकेट दे दिया है। बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम इन दिनों अपने अपकमिंग फिल्म वेदा को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। एक्शन थ्रिलर फिल्म है ये, जिसे निखिल अडवाणी ने किया है डायरेक्ट। साउथ इंडियन एक्टर ममूटी की फिल्म टर्बो OTT पर 9 अगस्त को रिलीज कर दी गई है। फिल्म मलयालम, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बंगाली और मराठी सहित कई भाषाओं में हुई रिलीज। खिलाड़ी मुरलीकांत पेटकर की फिल्म चंदू चैंपियन अब OTT प्लेटफॉर्म पर रेंट फ्री कर दी गई है। नीरज पांडे के निर्देशन में बनी औरों में कहां दम था। एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। फिल्म सिनेमाघरों में अब तक के कुल कारोबार सिर्फ 10 करोड़ का बॉक्स ऑफिस ही कर पाई। जानवी कपूर की स्पाई थ्रिलर उलझ बॉक्स ऑफिस पर बेहद ठंडा रिस्पांस मिला है। रिलीज के 7 दिन बाद भी उलझ ने बॉक्स ऑफिस पर महज 10 करोड़ का कलेक्शन भी नहीं कर पाई। 8 अगस्त को साउथ के सुपरस्टार नागा चैतन्य ने एक्ट्रेस चोबिता धुलीपाला से सगाई करके अपना रिश्ता ऑफिशियल कर दिया है। दोनों को आशीर्वाद देते हुए नागार्जुन ने फोटोज शेयर किए। डायरेक्टर आनंद एल रॉय ने अब आर माधवन और कंगना रनौत स्टार तनु बेड्स मनु के तीसरे पार्ट आने की उम्मीद जताई है। तनु बेड्स मनु के दोनों पार्ट हिट होने के बाद से फैंस इसके तीसरे पार्ट का कर रहे हैं इंतजार। एक्ट्रेस रामा सेन ने दादी सुचित्रा सेन के बायोपिक में काम करने की इच्छा जाहिर की है। आपको बता दें कि सुचित्रा सेन बांग्ला
सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। उन्होंने सागरिका और दर्शन जैसी कई हिट फिल्में दी हैं। हॉलीवुड फिल्म डेडपूल एंड वुल्वरीन का जलवा विदेशी बाजार के साथ साथ भारतीय बॉक्स ऑफिस पर आ रहा है नजर। अब तक 118.96 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है फिल्म। वहीं अब उम्मीद की जा रही है कि वीकेंड पर फिल्म की कमाई में और उछाल देखने को मिल सकता है। इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मनी मंत्रा, मेरी सहयोगी आचार्य गुलाटी कुंभर के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।